अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास B1 एंड N1। आई एम योर मैथमेटिक्स लेक्चरर इरम मुश्ताक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पंजाब ग्रुप हाई स्कूल जड़ावाला। स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड वेल। टुडे 6 जुलाई 2020 वी आर गोइंग टू डिस्कस रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9। वी विल ऑल्सो डिस्कस एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, एज यू नो चैप्टर 9 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बेटे 9.1 एक्सरसाइज हमने डिस्कस की, उसके बाद जो है वो 9.2 एक्सरसाइज लॉन्ग के हवाले से है। तो ये चैप्टर शॉर्ट के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। 9.2 एक्सरसाइज आपने नहीं करनी, उसके बाद 9.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जितने पॉइंट्स हैं वो सारे आपने करने हैं सिर्फ। उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो बेसिकली आपने इस चैप्टर में से दो फॉर्मूले याद करने हैं और बाकी सारी डेफिनेशन जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी वो करनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप कर चुके हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट क्या होता है, फर्ज करें दो पॉइंट्स आपको कार्टेशियन प्लेन में गिवन है, आपने उनको जो है वो एक लाइन के जरिए से ज्वाइन किया, वो लाइन का मिड पॉइंट कैसे बताते हैं, ये फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला आपके पास एक्स वाई यानी मिड पॉइंट भी एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा। ये बात याद रखिएगा, ऑर्डर पेयर को हमेशा पैरेंथेसिस में लिखते हैं और दरमियान में एक कॉमा होता है। इसके दोनों के आंसर्स को ज्वाइन ही किया जाता है जैसे डिस्टेंस में किया जाता था। इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। इस तरीके से आपके पास एक्स वाला जो है वो निकल आएगा कोऑर्डिनेट और इस तरीके से आपके पास वाई वाला कोऑर्डिनेट निकल आएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक पॉइंट दिया है A 9 2 और दूसरे में दिया है B 7 2। तो आपने जो है इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे लेट m इंटू एक्स वाई द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो फिर मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला लग जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपने फाइंड आउट करना है m इंटू एक्स वाई और ये इज इक्वल टू m, ये उसका नेम और यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी x की होगी और ये y की होगी। कैसे आएगी, बिल्कुल पहले वाले तरीके से, इसको जो है वो x का नाम देना है, इसको y का, फिर इसी तरीके से इसको x का नाम देना है, इसको y का। चूंकि ये पहले ऑर्डर पेयर का है ये x1 y1 हो जाएगा और ये दूसरे ऑर्डर पेयर के हैं दोनों तो ये x2 y2 हो जाएगा। ये आप लोग ग्राफ में भी लिख सकते हैं या अगर नेट पे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब आपके पास x1 है 9 और x2 है 7। 9 + 7 विच इज इक्वल टू 16। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे 8। एक्स कोऑर्डिनेट उस मिड पॉइंट का आ गया 8। उसके बाद 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ये इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। तो इस तरीके से आपने ये डिस्टेंस वो मिड पॉइंट फार्मूला याद कर लेना है। डिस्टेंस मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट बेटे इसका पार्ट है हमारे पास a है 2 यानी के 2 और -6 यानी के ये हो गया आपके पास x1 और ये हो गया y1 और इसी तरीके से ये दूसरे वाला आपके पास जो है वो हो गया x2 और ये हो गया y2। हमेशा पहले x होता है फिर y और पहले ऑर्डर पेयर के दोनों 1 1 और दूसरे ऑर्डर पेयर के हो जाएंगे 2 2। अच्छा, फॉर मिड पॉइंट फार्मूला दोबारा से याद करते हैं। x1 + x2 / 2 यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है, फिर दरमियान में कॉमा लगना है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस तरीके से निकालनी। m ये जो है उस पॉइंट का नाम रखा है जो ये पॉइंट आपके पास आया है, आप इसका कोई भी पॉइंट का नेम रख सकते हो। यहाँ मिड पॉइंट की वजह से m रख दिया गया है। x1 है आपके पास 2 और x2 है आपके पास 3। 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। 5 / 2 = 2.5। नेक्स्ट बेटे y1 + y2। y1 है आपके पास -6, दरम्यान में प्लस एज इट इज़, और y2 है आपके पास वो भी -6। तो प्लस माइनस जो दरम्यान में प्लस था, प्लस माइनस माइनस, तो फिर वो माइनस ही हो जाना है और ये माइनस माइनस जो है वो होते हैं प्लस। तो आपके पास -6 और -6 हो जाएंगे -12। -12 को आपने करना है 2 पे डिवाइड, तो 2 6 और 12 आपके पास -6 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर आ गया 2.5 और -6। नेक्स्ट बेटे आपके पास सी वाला है -8 और 1 और 6 और 1। आपने जो है वो इस तरीके से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेना है और सबसे पहले इस पे देखना है। ये आपके पास हो गया x1 और ये हो गया y1 1 वाला जो है। उसके बाद 6 आपके पास है x2 और ये हो गया आपके पास y2 ये जो 1 है। तो आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है।
लेट एम इंटू एक्स वाई मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये फार्मूला है आपके पास, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। तो बेटे आपने जब फार्मूला लगाना है, फार्मूले में उसके बाद वैल्यूज़ पुट करनी है, ये वाली साइड तो चूँकि फाइंड आउट करनी है एज इट इज़, ये इसका नेम है, जस्ट यहाँ पे आपने जो है वो ये पैरेंथेसिस यानी छोटी ब्रैकेट में ही इसको सॉल्व करना है। एक्स वन की जगह पे आ जाएगा माइनस एट और एक्स टू की जगह पे आ जाएगा सिक्स, प्लस माइनस माइनस एट में से सिक्स जाएंगे, बाकी माइनस टू रह जाएगा डिवाइडेड बाई टू, और ये वन प्लस वन जो है ये भी टू हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू, इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन और इसका वन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जब वैल्यूज जो है या डिवीजन में कैंसिल होती हैं तो आंसर वन आता है, और अगर प्लस माइनस में कैंसिल हो, जैसे प्लस टू हो उसे हम माइनस टू के साथ कैंसिल कर दें तो वो आपके पास जो है वो प्लस माइनस अगर न्यूमिरेटर में ही दोनों लिखी हो वो कैंसिल हो जाएंगे और उनका आंसर ज़ीरो आएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपने इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट बेटे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। रिव्यू एक्सरसाइज को आपको पता है कि आपने ये जो इसके एमसीक्यूज हैं और इसकी फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स वगैरह होते हैं वो आप अपनी टेक्स्ट बुक पे ही सॉल्व करते हो, और जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो आपने सारे के सारे अपनी नीट नोटबुक पे भी लिखने होते हैं, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। चूज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपने चूज़ करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जीरो जीरो एंड वन वन। अब आपको पता है ये एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू और ये वाई टू, तो इनका डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिखा है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्केयर, सारे का स्केयर रूट है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करके थोड़ा सॉल्व कर दूँ तो सबसे पहले यहाँ पे वन में से ज़ीरो माइनस करना है, क्योंकि ये एक्स टू है और ये एक्स वन है, वन में से ज़ीरो माइनस किया तो वन वन का स्केयर लेंगे तो वन, यानी कि ये इतने पोर्शन को सॉल्व करके इसका आंसर वन आ गया। आगे प्लस है, उसके बाद आपके पास है वाई टू, वाई टू है आपके पास ये वाला वन, वन में से ज़ीरो माइनस करेंगे अगेन आपके पास वन आ जाएगा, उसका स्केयर लेंगे वो फिर भी वन ही रहेगा, वन प्लस वन आपके पास हो जाएगा टू स्केयर रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटे टू स्केयर रूट, तो आपके पास ये डी वाला राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास अगेन डिस्टेंस पूछा गया है, तो हम दोबारा से इसी में फाइंड आउट कर लेते हैं इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके। आपके पास अब है x1, x2 है 0, ये वाला पहले वाला x1 y1 दूसरे वाला x2 y2, ये है आपके पास 0, 0 में से आपने माइनस करना है 1, तो आपके पास रह जाएगा माइनस वन, माइनस वन का जब स्केयर लिया जाता है तो वो प्लस ही हो जाता है। उसके बाद आपके पास है y2 ये वाला, इसमें से आपने 0 माइनस करना है तो वो 1 ही रहेगा, तो 1 का स्केयर लेंगे उसने फिर 1 ही रहना है, तो 1 प्लस 1 जो है वो इसका स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास इसका भी आंसर 2 स्केयर रूट आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ये वाला हो गया। नेक्स्ट आपके पास दोनों मिड पॉइंट्स के हैं, मिड पॉइंट आज हमने डिस्कस किए हैं, तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास ये जो फार्मूला होता है x1 वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू और y1 वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। अब इसमें x1 है आपके पास 2 और y2 है आपके पास, x1 आपके पास 2 है और x2 जो है वो आपके पास 0 है, तो 2 और 0 को ऐड करेंगे यानी दोनों x वाली वैल्यू के पहली वैल्यू वाली वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, उसका आंसर 2 ही रहेगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1, यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होनी चाहिए 1, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपके पास y वाली यानी दूसरे वाली दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है वो भी 2 है, 2 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे जो फार्मूले वाला है तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा और इसका आंसर भी 1 आ जाएगा, तो आपके पास बेटे ये वाला राइट ऑप्शन है ए वाला। उसके बाद आपके पास है मिड पॉइंट्स ऑफ टू माइनस टू, माइनस टू एंड टू इज इनके मिड पॉइंट बताने हैं आपने। सबसे पहले एक्स वन है आपके पास टू, उसको प्लस करेंगे माइनस टू में तो प्लस माइनस माइनस ये माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, ये देखें इस तरीके से आएगा टू ये प्लस और फिर यहाँ पे आना है एक्स टू की जगह पे माइनस टू, तो ये प्लस माइनस माइनस टू इस टू से कैंसिल हो जाना है, इसका आंसर ज़ीरो आ जाना है, ज़ीरो को टू पे डिवाइड करेंगे तो वो ज़ीरो ही रहेगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट का आंसर आ गया, वाई कोऑर्डिनेट का आंसर आएगा, आपने y2 में से जो है या फिर ऐसे y1 में से भी कर सकते हैं, y1 है माइनस टू उसमें ऐड कर देना है प्लस टू, यानी y1 है ये इसमें ऐड कर दिया प्लस टू, तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो गए प्लस माइनस वाले और बाकी रह गया आपके पास ज़ीरो, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट का आंसर भी ज़ीरो आ गया और y कोऑर्डिनेट का भी आंसर ज़ीरो आ गया, तो इसका राइट वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा ये वाला।
नेक्स्ट बेटे यार, ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड, जिस ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम देते हो। इसमें आपके पास जो एक साइड की लेंथ होती है ट्राइंगल के, वही ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ होती है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में इक्विलेटरल ट्राइंगल राइट आंसर है। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट, टोटल ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं, अगर तीनों की साइड्स की लेंथ एक दूसरे से अलहदा अलहदा है तो फिर उस ट्राइंगल को हम स्केलन ट्राइंगल का नाम देते हैं। तो यहाँ तक बेटे आपके एमसीक्यूज क्लियर हो गए हैं। उसके बाद अब हमने डिस्कस करना है इसके ट्रू फॉल्स को। तो ट्रू फॉल्स में सबसे पहले है हमारे पास अ लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स। बेटे लाइन को जो है वो जो कार्टेशियन प्लेन में हम ड्रॉ करते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो लाइंस ही हैं एक्चुअली। तो क्या लाइन के जो है वो दो एंड पॉइंट्स होते हैं? एंड पॉइंट किसे कहते हैं? ये एंड पॉइंट किसी एक लाइन सेगमेंट के होते हैं जो हमें पता हो कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन जिसकी जो है वो हमें लेंथ ही नहीं पता, तो हम उसका कैसे बता सकते हैं कि उसके एंड पॉइंट्स होते हैं? लाइन का एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए ये गलत है। उसके बाद अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन के अंदर से लिया गया एक टुकड़ा, तो वो फिर हमें पता होता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसके लाइन के जो है वो लाइन सेगमेंट के वन की बजाय टू एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये फॉल्स है। अ ट्राइंगल इज़ फाउंड बाय थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए एक ट्राइंगल कैसे बनती है, ट्राइंगल तीन पॉइंट से मिलकर बनती है। ये इन पॉइंट्स में से एट द सेम टाइम दो तो एक ही लाइन में होते हैं, तीसरा उनसे अलहदा होता है। अगर इनको देख लेंगे तो इस तरीके से, तो अगर तीनों को इकट्ठे देखें तो तीनों एक दूसरे के लिहाज से कोलिनियर नहीं हैं। यहाँ उन्होंने कोलिनियर का वर्ड यूज़ किया। कोलिनियर वर्ड का मतलब क्या होता है? चैप्टर एट में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद हों उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ट्राइंगल के दो पॉइंट्स कोई से तो एट द सेम टाइम एक ही लाइन पे मौजूद है, लेकिन तीसरा उनके लिहाज से उस लाइन पे मौजूद नहीं है, इसलिए ट्राइंगल थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनी है, कोलिनियर से नहीं। अगर यहाँ पे नॉन कोलिनियर का वर्ड होता तो ये बिल्कुल ठीक था। ईच साइड ऑफ ट्राइंगल हैज़ टू कोलिनियर वर्टिसेस। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्राइंगल की एक साइड जो होती है उसमें कितने वर्टिसेस कहते हैं? कोने को, जहाँ पे दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये दोनों जो है वो कोलिनियर हैं क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में है। तो हर ट्राइंगल में दो पॉइंट्स को अगर हम देखेंगे वो एक दूसरे के लिहाज से कोलिनियर है, तीसरा कोलिनियर नहीं होता। द एंड पॉइंट ऑफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कोलिनियर। कोलिनियर के हर एक साइड ये रेक्टेंगल जो होती है, फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में दो साइड्स एक दूसरे की इक्वल होती हैं और दो एक दूसरे की इक्वल होती हैं। मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ पे ये ड्रॉ कर देती हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास रेक्टेंगल है, आप इसकी इस वाली साइड को फिलहाल देखें तो इसमें ये वाले जो दोनों वर्टिसेस यानी कोने हैं ये वाले एक दूसरे के कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे हैं। इस तरीके से इस साइड को देखेंगे तो इसके दोनों वर्टिसेस एक दूसरे के कोलिनियर हैं, इस साइड को देखेंगे इसके दोनों वर्टिसेस कोलिनियर हैं। तो इस तरीके से द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कोलिनियर, ये ठीक है। ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन एक्स एक्सिस, बिल्कुल वो एक ही लाइन पे मौजूद हैं तो वो कोलिनियर होंगे। ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट कोलिनियर विद पॉइंट्स ऑफ बोथ एक्सिस, बिल्कुल ओरिजिन ही वो पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और कहीं नहीं होते। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगेन डिस्टेंस फार्मूले का पूछा गया। इसमें से मैंने एक पार्ट आपको करवाया है, बाकी दोनों पार्ट्स आपने इसके खुद करने हैं। देखें आपके पास जो है अब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, अब आपको इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए। फार्मूला है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्केयर। एक्स वन आपके पास ये पहले वाला एक्स वन और ये वाला एक्स टू, अभी इसी को डिस्कस करते हैं। थ्री माइनस सिक्स करेंगे विच इज़ इक्वल टू माइनस थ्री स्केयर, माइनस थ्री का स्केयर लेंगे। देखें स्केयर के बाद माइनस क्यों ख़त्म होता है? क्योंकि माइनस थ्री दो दफ़ा है, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाता है। अब उसके बाद ये जो दोनों रह गए हैं ये हैं आपके पास वाई टू, वाई टू पहले माइनस थ्री और ये दरमियान में फार्मूले वाला माइनस और ये उसके बाद वाई वन, माइनस थ्री एंड माइनस थ्री विच इज़ इक्वल टू माइनस सिक्स होल स्केयर। उसके बाद माइनस सिक्स का भी स्केयर लेंगे, थर्टी सिक्स आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे टोटल फोर्टी फाइव आ जाएगा। फोर्टी फाइव का पूरा पूरा स्केयर रूट तो नहीं आता, लेकिन जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको पता है नाइन फाइव आर फोर्टी फाइव, नाइन का स्केयर रूट आ जाता है थ्री। तो जितने का स्केयर रूट आ जाता है उसको आपने बाहर लिख देना है, और जो नहीं आता दरमियान में कोई साइन नहीं लगाएंगे, इसका मतलब है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको स्केयर रूट के साइन के अंडर एज इट इज़ लिख देंगे।
नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में से मिड पॉइंट के फॉर्मूले सेलेक्ट किए हैं, तो इसमें इसके भी तीन पार्ट्स हैं। आपने जो है वो इसको इसके दो पार्ट्स में आपको करवा रही हूँ, बाकी आपने कर लेने हैं। फॉर्मूला होता है इसका x1 + x2, तो x1 और x2 आपके पास हैं, यहाँ पे है -5 और यहाँ पे है -7। दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा -12, 2 पे डिवाइड करेंगे तो -6, और ये सारा पैटर्न वही कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मिड पॉइंट का आंसर आता है। डिस्टेंस का पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूले का आंसर एक नंबर की सूरत में आता है, वो जो है वो रेडिकल वाला भी हो सकता है या दूसरा भी। उसके बाद दरम्यान में कॉमा ही लगाना है आपने, उसके बाद y1 + y2, तो ये जो सेकंड सेकंड वाली वैल्यूज़ है दोनों की इसको ऐड करेंगे, -7 -5 -12 एडिड बाई 2, तो -6 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, फॉर्मूला सेम वही है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें एक्स है 8 और 0, यानी पहले पहले वाली वैल्यूज 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया, यहाँ पे है -12 और 0, तो आपने जो है वो 0 तो नहीं लिखना, -12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -6 आ गया। इस तरीके से आपने मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं। अब नेक्स्ट बेटे हमारे पास डेफिनेशंस हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन हम चैप्टर 8 में भी डिस्कस करके आए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन कार्टीसन प्लेन, या कार्टीसन प्लेन का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन। उसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन है, टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच लाए ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, यानी वो पॉइंट्स का वो सेट जो एक ही लाइन पे मौजूद होते हैं उनको आप क्या कहते हो, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हो। और नॉन कोलिनियर द पॉइंट्स विच डू नॉट लाए ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसकी आप एग्जाम्पल किस तरीके से दे सकते हो, आप यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ करें और बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर कोई से दो या तीन पॉइंट्स को शो करवाएं कि ये ए और इसी तरीके से बी और ये सी, तो आप लिख सकते हो ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। और इसी तरीके से अगर नॉन कोलिनियर की देनी हो तो इस तरीके से तीन इसके ऊपर पॉइंट ड्रॉ करें, एक साइड पे कर दें। अब लिखे ए बी सी एंड डी आर नॉन कोलिनियर, कि ये तीनों एक दूसरे के साथ तो कोलिनियर है लेकिन अगर चारों को इकट्ठों को देखेंगे तो ये नॉन कोलिनियर है। नेक्स्ट बेटे आपके पास डेफिनेशन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इफ़ द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सेम देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सारी डेफिनेशंस आपको एक्सरसाइज 9.1 जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके बाद हर एक पेज पे आसानी से मिल जाएंगी। नेक्स्ट है स्केलन ट्रायंगल, तो आपने कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देनी है जिसकी तीनों साइड्स एक जैसी हों, वो देखने में भी एक जैसी लगें, और उसके बाद आपने जो है वो उसका उसके ऊपर मेयरमेंट भी लिख देनी है। स्केलन ट्राइंगल आ ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल इफ़ मेयर्स ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो ये आपने ये सारी डेफिनेशंस भी नोट करनी है क्योंकि ये रिव्यू एक्सरसाइज का हिस्सा है। अभी जो है वो चैप्टर के अंदर से तो मैंने आपको अंडरलाइन नहीं करवाई, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज में जितनी डेफिनेशंस हैं आपने उनको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपके पास आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विच हैज़ टू ऑफ इट्स साइड्स विद इक्वल लेंथ, यानी इसमें दो साइड्स एक जैसी होती हैं जबकि तीसरी साइड डिफरेंट लेंथ की होती है। और राइट ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का होता है। ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल हैज़ मेयर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। और ये राइट एंगल ट्राइंगल एक ड्रॉ की हुई है, इसमें एक एंगल 90 का शो करवा देना है, और इस तरीके से स्केयर है। नेक्स्ट आपके पास अ स्केयर इज़ अ क्लोज्ड फिगर, ये एक ऐसी बंद शक्ल होती है फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनती है। दो तो एक दूसरे के लिहाज से कोलिनियर होते हैं लेकिन चारों को इकट्ठों को देखेंगे तो वो नॉन कोलिनियर होते हैं। और फिर अगली कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, के सारी साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है, देखिए 2 2 सेंटीमीटर हर तरफ है। एंड आर आर मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, और सारी की सारी जो है वो जो साइड्स होती हैं जो कॉर्नर्स होते हैं उस पर 90 डिग्री, यानी सारी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, कोई भी लाइन तिरछी नहीं होती। तो यहाँ तक आपकी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। बेटे आज आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है एक्सरसाइज 9.3 का, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आपने लिखना है रिव्यू एक्सरसाइज 9 का अपनी नीट नोटबुक पर, और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है आपने अपनी रफ नोटबुक पर। बेटे आज हमने जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज को भी डिस्कस किया और साथ में 9.3 को भी डिस्कस किया। मिड पॉइंट के लिए भी यही तरीकाकार है, पहले नेम मेंशन करें x1 और y1 पहले ऑर्डर पेयर के, सेकंड ऑर्डर पेयर के x2 एंड y2, फिर उसे फॉर्मूले में पुट कर दें ताकि आपके पास मिड पॉइंट आ जाए। और जो मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई हैं उनके साथ आपने रेलिवेंट डायग्राम ज़रूर करनी है,
और लेकिन ये याद रखिएगा कि डायग्राम फिर आपको कंफर्म हो कि ये इसी जो है वो डेफिनेशन की है तो फिर आपने ड्रॉ करनी है, अदरवाइज डेफिनेशन तक भी ठीक है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे रिटर्न। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।